समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर आज रानी झांसी के ऐतिहासिक दुर्ग पर झांसीवासी उमड़ पड़े। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शिरकत की। ऐतिहासिक दुर्ग पर रानी झांसी के स्वरूपों की घोड़ों पर सवार होकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर नगर विधायक पंडित रवि शर्मा ने कहा कि रानी झांसी के ऐतिहासिक दुर्ग पर पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या को एकत्रित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई है। इसी ऐतिहासिक दुर्ग से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत का संकल्प लिया था और आज इस संकल्प को साकार करने के लिए समूचा झांसी उमड़ा है। विधायक सेवार्थ संचालक तथा वरिष्ठ समाज सेवी पंडित दिलीप पांडे ने भीषण गर्मी को देखते हुए दुर्ग पर आने वाली भीड़ के लिए विधायक सेवार्थ रथ द्वारा शीतल लस्सी का इंतजाम भी किया ताकि लोगों को गर्मी से राहत दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शीतल लस्सी वितरण के दौरान व्यापारी नेता राजीव राय, कपिल बंसल, अमित पांडे, ऋषभ झा, आकाश द्विवेदी, बाबा राजेश कुशवाहा, महेश कुशवाहा आदि शामिल रहे। विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य पर झांसी दुर्ग पर आने वालों को लस्सी पिलाकर उनका स्वागत किया गया। झांसी से मनीषा ली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। आज विश्व धरोहर दिवस पर झांसी के ऐतिहासिक रानी झांसी के दुर्ग पर पूरे झांसी ने विश्व रिकॉर्ड बनाने का संकल्प लिया कि हम आज पर्यटकों का विश्व रिकॉर्ड झांसी में अपने दुर्ग के कितने लोग देखने आए इसका रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। तो आज पूरे झांसी का जन जन उत्साहित है। आप इन लोगों का उत्साह देख रहे हो। लोग विभिन्न प्रकार की झांकियाँ रानी के स्वरूप के साथ साथ सभी समाज सेवी संगठन कुछ ना कुछ काम में लगे हैं। ये बहुत बड़ा अभियान है। निश्चित रूप से इस अभियान से जहां एक ओर मोदी जी ने झांसी आकर के झांसी के दुर्ग से लोगों को संबोधित करते हुए नए राष्ट्र निर्माण का
संकल्प लिया था। वहीं दूसरी ओर झांसी में इस तरीके के विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर होने वाले उत्सव से झांसी के दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। विश्व धरोहर दिवस पर आज झांसी के नागरिकों ने एक इतिहास रचा है और हम चाहते हैं कि जो उमंग और उत्साह आज के दिन दिखाया गया है वो केवल एक दिन तक ही सीमित न रहे बल्कि हर दिन, हर महीने, हर साल और हर क्षण यही भावना नागरिकों को अपने मन में संजो के रखनी होगी। इस अवसर पर मैं एक अपील और करना चाहता हूँ, इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ पर है, बहुत से लोग आ रहे हैं, गर्मी का मौसम है, वो अपने साथ पानी की बोतल भी लेकर के चल रहे हैं, तो मेरा अनुरोध सबसे ये है कि किला को साफ़ सुथरा भी रखें, जो सामान अपने साथ लेके आए हैं उस सामान का डिस्पोजल भी अपने हाथों से अपने घर ले जाकर कुछ सुनिश्चित कराएं। धन्यवाद। आज झांसी के विश्व धरोहर जो हमारा झांसी का दुर्ग है उसका आज हम लोगों ने वो विश्व दिवस मनाया है और एक विश्व रिकॉर्ड कायम करने के लिए यहाँ पूरी झांसी का आह्वान किया गया था आने के लिए। उसके उपलक्ष्य में विधायक रवि शर्मा की तरफ जी से, विधायक सेवा ट्रस्ट की तरफ से यहाँ हम लोगों ने लस्सी वितरण का कार्यक्रम किया हुआ है और लस्सी वितरण चल रही है और आने वाले समय में भी इसी तरह के कार्यक्रम हम लोगों के चलते रहेंगे विधायक सेवा ट्रस्ट द्वारा। देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो धरोहर बनाया है, हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम इस धरोहर को, चाहे वो फोट हो, मूर्ति हो, पेंटिंग हो, अन्य चीज़ें हो, वो हम आने वाले संतान के लिए सुरक्षित रखें। और आज विश्व धरोहर दिवस है, 18 अप्रैल है, जो कि पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। मैं लोगों से अपील करूँगा कि जो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसे पहला चीज़ नष्ट ना करें, दूसरा हो सके तो सुरक्षित करने के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं उसे जरूर उठाएं। और वृक्षारोपण भी किया गया उसमें। देखिए, आपको बता दें, आज विश्व विरासत दिवस है, इसमें हमने जितने भी लोग इसमें प्रतिभाग करें उनसे अनुरोध है कि अपनी विरासत का संरक्षण करें, चाहे वो संस्कृति हो या अन्य चीज़ें हों, उनका हमें संरक्षण जरूर करना चाहिए, याद भी करना चाहिए, उनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए। जैसे आज हम जिस पावन भूमि पे खड़े हैं, 1857 की क्रांति की महान वीरांगना की ये भूमि है, तो आज उनके सत्कर्मों को याद करते हुए हम सबको अच्छा और बेहतर भारत बनाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। थैंक यू। कार्यक्रम था, जैसे कि आज विश्व धरोहर दिवस है और हमारी झांसी की पहचान ही हमारी रानी लक्ष्मीबाई से है। हम जहाँ भी जाते हैं हमें इसी नाम से जाना जाता है कि वही झांसी जहाँ रानी लक्ष्मीबाई रहती है। तो उनकी विरासत, हमारा झांसी का किला, आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनकी विरासत की बचाने के लिए, उनकी विरासत का हमेशा अमर रहे, उन्हें हमेशा सब लोग पूरे झांसी में, क्या पूरे विश्व में उन्हें याद रखें, इसके लिए आज हमारी पूरी कोहिनूर की टीम यहाँ पे किले पे इकट्ठी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ व फेको सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्रा, झांसी ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के ख्याति प्राप्त डॉक्टर रमेश चंद्रा द्वारा नेत्र संबंधी समस्त बीमारियों का आधुनिक मशीनों द्वारा परीक्षण व उपचार, जिसमें मोतियाबिंद का फेको विधि द्वारा ऑपरेशन, ग्लूकोमा व काला पानी का ऑपरेशन व इलाज, रेटिना की जाँच, पलकबंदी की सर्जरी, चश्मे की कंप्यूटर द्वारा जाँच इत्यादि सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इतना ही नहीं, प्रत्येक माह की 20 तारीख को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोतियाबिंद रोगियों के ऑपरेशन पर विशेष छूट का प्रावधान भी है। चंद्रा नेत्रालय, मिनरवा चौराहा, जयदुर्गा मेडिकल स्टोर, झांसी। ऑल इंडिया में लोडिंग अनलोडिंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध है। मिश्रा रोड लाइन, संपर्क करें 9336184688 7617041558। राजूपाल एवं माँ पीताम्बरा मैरिज गार्डन, शादी पार्टी एवं अन्य शुभ अवसर के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9415055525 8090155855 7355231447। पार्किंग के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। शिवपुरी रोड, टोल प्लाजा, रक्सा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। प्रॉपराइटर संजय कुमार मिश्र उर्फ संजू मिश्रा।